हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास हमारे एंशिएंट हिस्ट्री से। एंशिएंट हिस्ट्री ये ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया हुआ है। करंटली हम ऋग्वेदिक एज जो है वो कवर कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा चैनल के बारे में बता दूं। इसमें मैं आपको KS प्रीलिम्स का एक क्रैश कोर्स कवर करवा रही हूँ। ये उनके लिए वीडियो है जिनका एग्जाम अभी आने वाला है। फाइन, तो 10 नवंबर को आपका प्रीलिम्स है। आपको काफी टैक्टफुली अपने जो 3 मंथ से ये स्पेंड करने हैं। आपको ये देखना होगा कि आप जितना कवर कर रहे हो वो आप रिवीजन के लिए उसमें टाइम मिल रहा है कि नहीं, साथ में आप उसमें टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर रहे हो कि नहीं। तो क्योंकि टाइम कम है इसीलिए आपको काफी स्ट्रेटेजिकली इन सब चीजों को फॉलो करना होगा। मेरी चैनल पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री की भी जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी, जिसमें कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री मैंने पढ़ाई हुई है। इकोनॉमी जो है वो हमने स्टार्ट किया था, पर अभी उसके आई गेस 5-6 लेक्चर्स कवर हो गए हैं। वहां से आप इकोनॉमी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल्दो मैंने पूरा नहीं पढ़ाया है पॉलिटी, लेकिन उसका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट जो कि बाकी एग्जाम्स के सिलेबस में भी होता है, जैसे आपके फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह, वो सारी चीजें मैंने कवर करवाई हुई हैं। ठीक है, अगर आपके पास टाइम पूरी पॉलिटी पढ़ने का नहीं है, पर एटलीस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको कवर करवाया है, जो आपको मेरी चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक ऐड कर दूंगी, एटलीस्ट उतना वीडियो पॉलिटी का जरूर देखें। ठीक है, इसमें मैं आपको पहले एंशियंट हिस्ट्री, उसके बाद हम मिडिवल स्टार्ट करेंगे, मॉडर्न हमारा हो गया, एंड आर्ट एंड कल्चर, वो सारा मैं यहाँ पे कंपोनेंट आपको कवर करवाऊंगी। एंड देन हम देखेंगे मैं आपके एग्जाम से पहले कितना सारा पोर्शन आपको कवर करवा सकती हूँ। ठीक है, एंड मेरा इसके साथ एक पेड कोर्स भी चल रहा है, पेड बैच KS मेंस का, जिसको आप परचेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरी वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हैं, उसमें आपको मिलेगा कंटेंट सारा। क्योंकि देखो 3 मंथ्स है आपके, आपको प्रीलिम्स के बाद काफी कम टाइम, यूजुअली फरवरी जनवरी में एग्जाम होते हैं, अगर जान में ना भी लें, क्योंकि नवंबर में आपका ये है प्रीलिम्स है, तो हो सकता है फरवरी तक आपके मेंस जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो इतने कम टाइम में एंटायर मेंस जो है वो वीडियोस देख के या क्लासेस देख के कवर आप नहीं कर पाओगे। अगर कर भी लिया तो सिर्फ आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आप रिविजन नहीं कर पाओगे, वो सिलेबस कंप्लीशन आपके किसी काम का नहीं आएगा, क्योंकि आप इसमें एग्जाम्स में आंसर्स नहीं लिख पाओगे। तो आपको काफी स्मार्टली अपने मेंस को यूटिलाइज करना है। इसी वजह से जो मेरा कोर्स है, मैंने उसमें आपको सिलेबस के वीडियोस इंक्लूड नहीं किए हैं, बट आपको कंटेंट सारा मिल जाएगा। साथ में मैं आपको टेस्ट सीरीज में असिस्ट करूंगी, एंड कैसे आपको टेस्ट सीरीज के थ्रू अपना सिलेबस कवर करना है अलॉन्ग विद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वो सारा आपको KS मेन्स के जो मॉड्यूल है उसमें मिल जाएगा। प्लस आपको GS 1 का जो सोसाइटी वाला कंपोनेंट है उसके नोट्स भी मिल जाएंगे। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, एंड देन आपके टेस्ट सीरीज मॉडल आंसर सारा उसमें इंक्लूडेड होगा। फाइन, अब प्रीलिम्स के लिए मैं क्या पेड मॉड्यूल आपके लिए बनाने की कोशिश करूंगी, दैट आई विल सी कि ऐसा कोई मॉड्यूल लेके आऊं कि आपका टेस्ट सीरीज के थ्रू सिलेबस कवर हो जाए मेजोरिटी। फाइन, एंड आपका रिविजन भी टाइमली हो, तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगी वो कैसे चलेगा। तो फिलहाल के लिए जो फ्री मैं क्रैश कोर्स करवा रही हूँ यूट्यूब पे, हम वो कंटिन्यू करते हैं। फाइन, तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विद एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। हमने स्टार्टिंग में क्या डिस्कस किया, पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, ठीक है, फिर इन एजेस को हमने सेपरेटली देखा, किस किस एज में क्या इंपॉर्टेंट चीज हुई थी वो हमने देखी। फिर मैंने चालकोलिथिक एज आपको बताया, जिसको हम कॉपर स्टोन एज भी बोलते हैं, चालकोलिथिक एज, इसमें आपके मेटल्स का इंट्रोडक्शन हुआ था। फाइन, तो 3 कल्चर्स जो है हमने डिस्कस करे थे, एक उसमें आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक आपका चालकोलिथिक फार्मिंग कल्चर है, एक आपका कॉपर होड कल्चर था, कॉपर होड, पर एनवायरनमेंट की वजह से एंड इनके लोकेशन की वजह से ये 2 कल्चर्स हैं सर्वाइव नहीं कर पाए थे, एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है अच्छे से इसने थ्राइव किया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपके नॉर्दर्न सब कॉन्टिनेंट में थी, सब कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट में थी, तो जहाँ पे रिवर्स वगैरह काफी अच्छी थी, एलिवियल सॉइल की वहां पे प्रेजेंस थी, तो एग्रीकल्चर भी होता था वहां पे अच्छा खासा। इस वजह से क्या हुआ, इस जो कल्चर था, सिविलाइजेशन थी, एक अर्बन सेटलमेंट थी, काफी मानी हुई वर्ल्ड वाइड एक अच्छी खासी सिविलाइजेशन जो थी कंसिडर की जाती है। हम वर्ल्ड वाइड 3 अर्बन सेटलमेंट जो है उस टाइम पीरियड पे कंसिडर करते हैं, एक आपकी इजिप्शियन सिविलाइजेशन, एक थी आपकी मेसोपोटेमियन,
एंड एक आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि एग्रीकल्चर इतना अच्छा था तो सरप्लस आपके पास क्वांटिटी हमेशा बचती थी। सरप्लस क्या होता है, अगर आपके पास 1 kg आप प्रोड्यूस कर रहे हो एंड 1 kg कंज्यूम कर रहे हो, इसको हम बोलते हैं सबसिस्टेंस। दैट मीन्स हैंड टू माउथ आप रह रहे हो, आपके पास कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं बचती है। अब अगर आप 1 kg कंज्यूम करते हो लेकिन आपकी प्रोडक्शन 10 kg है, तो जो 9 kg बचता है वो आपका प्रॉफिट है, उसको हम सरप्लस बोलते हैं। सरप्लस था, इसी वजह से ट्रेड वगैरह भी थ्राइव किया। वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। फिर प्लस हमने इसमें सिटीज पढ़ी थी, हरप्पा, मोहनजोदारो, ठीक है, लोथल, कलिंगापन, काफी से अलग अलग सिटीज हमने डिस्कस करी। एंड हर सिटी को किसने डिस्कवर किया था, वो किस रिवर पे डिस्कवर हुई थी, एंड हर सिटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो एग्जाम में आ चुका है पिछले यूपीएससी प्रीलिम्स में, केएस प्रीलिम्स में, वो मैंने आपको बता दिया, वो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। फिर उसके आगे हम चले, उसके आगे हमने क्या देखा, उसके आगे हमने देखी वैदिक एज, फाइन। फिर मैंने आपको बोला वैदिक एज को 2 में डिवाइड करते हैं, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक एज। अब हम अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक को कंपैरेटिवली पढ़ रहे हैं। हमने पॉलिटिकल लाइफ देखी अर्ली वैदिक की एंड लेटर वैदिक की, वो हो गया था। फिर इकोनॉमी भी हो गई थी अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक एज की, ठीक है। अब हमें पढ़ना है अर्ली वैदिक पीरियड में एंड लेटर वैदिक पीरियड में कैसी सोसाइटी थी। तो अब हम देखेंगे, वेट, मैं पहले पेन चेंज कर देती हूँ। सोसाइटी इन अर्ली वैदिक पीरियड, और यहां से हम ड्रॉ करेंगे सोसाइटी इन लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आपको साथ में रिवीजन करना इजी हो जाएगा एंड याद भी आराम से रहेगा जब हम इस चीज को एक कंपैरिजन चल के कंपैरेटिवली पढ़ाएंगे। तो सोसाइटी अर्ली वैदिक पीरियड, जिसको हम ऋग वैदिक पीरियड भी बोलते हैं। अच्छा, जो ये नोट्स हैं जो मैं अभी आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ, अगर आपको नोट्स फॉर्मेट में चाहिए तो वो मैं वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगी। वहां पे वेबसाइट पे मेरे डिफरेंट कोर्सेज हैं, उसमें आपको फ्री पीडीएफ करके कोर्स मिलेगा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं पेस्ट भी कर दूंगी। वहां से आप ये जो मैं आपको लेक्चर पढ़ा रही हूँ, आप इसको पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी फर्दर नोटिफिकेशन देखनी होगी तो आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जिसकी अगेन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं सोसाइटी इन अर्ली वैदिक पीरियड। पहला, हमने मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक ट्राइबल सोसाइटी थी। इस सोसाइटी में जो फैमिली है वो काफी इंपॉर्टेंट थी। फैमिली वॉज कंसिडर्ड एज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। दैट मीन्स आपकी जो फैमिली थी उसके अराउंड ही आपकी सोसाइटी बिल्ट थी, ठीक है, बेसिक यूनिट। एंड फैमिली को क्या बोला जाता था अर्ली सोसाइटी में, इट वॉज कॉल्ड गृहा। थर्ड पॉइंट देख लो, अब फैमिली किस टाइप की फैमिली थी, ज्वाइंट फैमिली एग्जिस्ट करती थी। ज्वाइंट फैमिली जिसमें तीन या तीन से ज्यादा जेनरेशन इकट्ठे रहते हों। फोर्थ पॉइंट इज पेट्रियार्कल फैमिली थी। पेट्रियार्कल पेट्रियार्कल क्या होता है, पेट्री मीन्स योर फादर, आर्कल इज योर अथॉरिटी। तो मतलब जो एल्डेस्ट मेल मेंबर है आपकी फैमिली का, चाहे वो फादर हो, ग्रैंड फादर हो, ग्रेट ग्रैंड फादर हो, उनके पास सारी अथॉरिटी थी, ठीक है। देन फिफ्थ पॉइंट इज पेट्रिलिनियल, पेट्रिलिनियल फैमिली। दैट मीन जो प्रॉपर्टी थी वो कैसे ट्रेस होती थी, पेट्री का मतलब हमेशा फादर होगा एंड लीनियल मतलब लीनिएज, जो आप ट्रेस करते हो प्रॉपर्टी वगैरह वो कैसे होगी, वो फादर टू सन, क्योंकि वो पेट्री है। अगर मैट्रिलिनियल होता तो मदर टू डॉटर, राइट। अगर मैट्रियार्कल फैमिली होती दैट मीन्स जिस फैमिली में एल्डेस्ट फीमेल मेंबर की अथॉरिटी हो। ऑल्सो इंडिया में मोस्टली नॉर्थ में आपको पेट्रियार्कल फैमिलीज मिलेंगी, लेकिन टुवर्ड्स साउथ केरला वगैरह में नायर फैमिलीज एंड बाकी सारी फैमिलीज, कुछ नाम भी हैं, आपको डिटेल में नहीं जाना, तो वहां पे आपको मैट्रिलिनियल और मैट्रियार्कल फैमिलीज भी देखने को मिलेंगी। लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में हम क्या देखते थे, सिर्फ पैट्रियार्कल फैमिलीज एंड पैट्रिलिनियल फैमिलीज। सिक्स पॉइंट देखते हैं, मैरिज जो था इट वॉज कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन। मैरिज वॉज एन इम्पॉर्टेंट
सोशल इंस्टीट्यूशन, दैट मीन्स सोसाइटी का एक काफी इम्पोर्टेंट पार्ट था आपका मैरिज. अगर ये इम्पोर्टेंट था तो विच टेक्स अस टू द अनदर पॉइंट, दैट इज योर पॉइंट नंबर 7. कि मैरिज जो है इट वॉज कंसिडर्ड एज डिवाइन. डिवाइन का मतलब हुआ कि मैरिज को इतना रिलीजियसली सही माना जाता था कि डिवोर्स जो था वो परमिट नहीं था. डिवोर्स नॉट परमिटेड, ठीक है, डिवोर्स परमिट नहीं होता था. एंड ये वो टाइम था जब स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी. स्लेवरी एग्जिस्टेड. अब स्लेव्स कौन थे? जो मैंने कहा इसमें आपके जो ट्राइबल्स रहते थे, हमने पहले भी बोला उनको क्या हम बोलते थे, अर्ली वैदिक के सेटलर्स कौन थे? आर्यंस थे, ठीक है. जब वो सेटल होने आए थे तो जो वहां के इंडिजिनस लोग थे तो उनके साथ आर्यंस की लड़ाई हुई थी. तो स्लेव्स भी आपके दो टाइप के थे, एक आपके डिफीटेड आर्यंस थे. तो उस लड़ाई में जो आर्यंस हारे थे, जिनको हम डिफीटेड आर्यंस बोलते हैं, उनको बोला जाता था दासास, ठीक है, दासास. और जो उस एरिया के एक्चुअल ट्राइब्स थे, एक्चुअल इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स थे, फाइन, जो लड़ाई, जो आर्यन से लड़ाई में हार गए थे, उनको हम बोलते हैं डिफीटेड इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स, और उनका नाम क्या था? दास्यूज. तो ये दो टाइप्स ऑफ स्लेव्स थे. नाइन्थ पॉइंट देख लो, ये एक इगैलिटेरियन सोसाइटी थी. इगैलिटेरियन सोसाइटी, इगैलिटेरियन सोसाइटी कौन सी होती है? ये वो सोसाइटी है जिसमें इक्वालिटी एग्जिस्ट करे, ठीक है, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो. नो डिस्क्रिमिनेशन. अब आप सोचोगे, आपके दिमाग में एक डाउट आना चाहिए कि अभी मैंने आपको बोला स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी, स्लेवरी तो कंप्लीटली ऑपोजिट हो गई इक्वालिटी के, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इगैलिटेरियन सोसाइटी थी? तो इसमें एक चीज आप देख लो, इसमें बेसिकली थी इक्वालिटी अमंग द इक्वल्स ओनली. इक्वालिटी अमंग इक्वल्स ओनली, ठीक है. इसका ये मतलब हुआ जैसे एक ही ट्राइब के लोग हैं वो आपस में इक्वल हैं, लेकिन उस ट्राइब से जो लोअर ट्राइब कंसिडर की जाती है, उस लोअर और हायर ट्राइब के बीच में जो डिफरेंस है वो रहेगा. अगर एक ट्राइब यहाँ पे है, इसके आपस के जो लोग हैं आपस में इक्वालिटी है, एंड एक ट्राइब इससे लोअर कंसिडर की जाती है, वो ट्राइब यहाँ पे है, उसके आपस के लोगों के बीच में इक्वालिटी है, लेकिन जो ट्राइब हाई कंसिडर की जाती है इसकी और लो, और जो ट्राइब लो कंसिडर की जाती है, इनके बीच की जो डिफरेंस है वो एग्जिस्ट करती थी. जैसे हमने स्लेव्स की बात यहाँ पे की, स्लेव्स में भी डिफरेंस था. जो दासास थे, ये स्लेव्स के साथ उतनी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती थी जितनी दासी उसके साथ होती थी, ठीक है. नाइन्थ टेंथ पॉइंट देख लो, वर्ण, VARNA, वर्णा. वर्णा क्या होता है मैं आपको बताऊंगी, पहले ये देख लो. वर्णा जो है इट एग्जिस्टेड, लेकिन इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन. तो वर्णा एग्जिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन, ठीक है. अब वर्णा डिटेल में क्या है वो हमें अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं उसका पता चला था, वो हमें पता चला हमारे लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है. तो वहां पे मैं आपको बताऊंगी वर्णा क्या होता है डिटेल में. यहाँ पे आप बस इतना देख लो, वर्णा बेसिकली फोर फोल्ड डिविजन ऑफ सोसाइटी. फोर फोल्ड डिविजन ऑफ सोसाइटी, दैट इज योर ब्राह्मण्स एट द टॉप, उनके बाद आगे क्षेत्रियस, क्षेत्रियस, देन आपके वेश्यास, नंबर थर्ड पे शूद्रास. तो अर्ली वैदिक पीरियड में कहा जाता है ये जो फोर फोल्ड डिविजन ऑफ सोसाइटी है इट वाज बेस्ड ऑन योर प्रोफेशन. तो ब्राह्मण्स कौन से थे? जो पाठ पूजा करते थे, दैट इज जो प्रेयर्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते थे, एंड जो एजुकेशन वगैरह जिन्होंने हासिल की हुई थी. क्षेत्रियास थे वॉरियर्स, जो लड़ाई वगैरह के लिए फेमस थे वॉर्स में. वेश्यास इज ए बिजनेस क्लास, जो बिजनेस करते थे.
एंड शूद्रास थे जो इनको सर्व करते थे ऑल द थ्री क्लासेस. तो ये सारा आपके प्रोफेशन पे बेस्ड था. किसी भी कास्ट को हम हाई कास्ट, सो कॉल्ड हाई या लो कंसिडर नहीं करते थे. ये था फोर फोल्ड डिविजन ऑफ सोसाइटी इन द अर्ली वैदिक पीरियड. लेकिन टुवर्ड्स लेटर वैदिक की जो कास्ट सिस्टम है इसमें आ गया, ये हेरिडिटरी एंड ज्यादा रिजिड हो गया. ठीक है, इसके बाद जो ब्राह्मण है उनको जो है हाई क्लास कंसिडर किया गया एंड शूद्रास के साथ काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, वो काफी डिस्क्रिमिनेशन फेस करने लगे. तो ये होता कि मैं आपको लेटर वैदिक जब हम डिस्कस करेंगे वहां पे बताऊंगी. तो पहले मैं आपको लेटर वैदिक के हम बाकी पॉइंट्स यहाँ पे एक बार ही देख लेते हैं. सोसाइटी इन लेटर वैदिक पीरियड. ठीक है, तो लेटर वैदिक पीरियड में पहला, ट्राइबल नेचर ऑफ द सोसाइटी वो सेम रहा, फाइन. दूसरा, फैमिली जो है वो भी सेम रहा, बेसिक यूनिट पेट्रियार्कल पेट्रिलिनियल. स्लेवरी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी सेम रहा. ठीक, अब यहाँ पे क्या चेंज हुआ, जो वर्णा है बेस्ड ऑन बर्थ इमेज्ड इमर्ज्ड सॉरी बेस्ड ऑन बर्थ इमर्ज्ड. अब ये मानने लगे कि अगर आप किसी एक वर्ण के हो इसीलिए हो क्योंकि आप उसमें पैदा हुए हो. ठीक है, वर्णा में पैदा हुए हो तो आपके लिए अपना जो वर्ण है वहां से निकल के दूसरे वर्ण में जाना आपका पॉसिबल नहीं है. ठीक है, एंड ये जो आप जिस वर्ण में पैदा हुए हो ये अब आप पे कंपल्सिव हो गया, ये कंपल्शन क्रिएट की गई आप पे. हाई कास्ट लो कास्ट वो चीजें इमर्ज हुई. जैसे फ्रेमवर्क है, एक ब्राह्मण से ये एक वर्ण है फर्स्ट वर्ण, एंड देन इस वर्णा की काफी अलग अलग हिस्से हैं, सब पार्ट्स हैं जिनको हम बोलते हैं कास्ट्स, जहां से आपका कास्ट सिस्टम इमर्ज हुआ. या सिर्फ यहाँ पे कास्ट लिख लो तो वर्णा के अलग अलग डिविजन्स को हम क्या बोलते हैं, कास्ट. इंग्लिश में कास्ट एंड हिंदी में उसको बोलते हैं जाति. तो जाति का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू ए वर्ण. एक वर्ण के कई सारे जाति होते हैं. तो वर्ण बेसिकली क्या है, एक फोर डिविजन है, एक फ्रेमवर्क है जिसने सोसाइटी को चार हिस्सों में डिवाइड किया. फिर ग्राउंड रियलिटी क्या है, उन चार हिस्सों के फर्दर बहुत सारे हिस्से हैं जिनको हम जाति बोलते हैं, जो हमें सोसाइटी में देखने को मिलता है. फाइन, अभी वर्ण फ्रेमवर्क कैसे इमर्ज हुआ उसका क्या मानना था. एक्चुअली जो ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी है ये बेस्ड है, एक डिवीजन हुआ है इस सोसाइटी का ऑन द बेसिस ऑफ वर्ना फ्रेमवर्क. ये कहते हैं जो ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी है वो चार वर्नाज में डिवाइडेड है. और ये जो चीज है ये इनके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में मेंशन्ड है. वो कहाँ पे मेंशन्ड है, वो मेंशन है 10th मंडला ऑफ ऋग्वेद. टेंथ मंडला ऑफ ऋग्वेदा एंड इसको बोला जाता है पुरुषुक्ता हिम. पुरुषुक्ता हिम, ठीक है. इसमें क्या मेंशन्ड है, इसमें मेंशन्ड है कि एक लॉर्ड थे, लॉर्ड पुरुष या लॉर्ड ब्रह्मा उनको बोलते हैं, उनने खुद को ब्लास्ट किया. उनने ब्लास्ट किया जो उनके सर से निकले, हेड से, उनको बोला जाता है ब्राह्मण्स. जो उनके शोल्डर से निकले उनको बोला जाता है क्षत्रियास. जो उनके थाइज से निकले उनको बोला जाता है वेश्यास या वेश्वास. एंड जो उनके फीट से निकले उनको बोला जाता है शूद्रास. ये चार हुआ. तो ये वर्ना फ्रेमवर्क बेसिकली क्या है, ये यही फोर फोल्ड डिविजन है सोसाइटी का. ठीक है, फोर फोल्ड डिविजन ऑफ दिस सोसाइटी. तो अर्ली वैदिक पीरियड के अकॉर्डिंग, ऋग्वेदिक पीरियड के अकॉर्डिंग ये जो वर्ना फ्रेमवर्क था ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन था. अगर लॉर्ड ब्रह्मा ने जब खुद को ब्लास्ट किया, सर से ब्राह्मण्स निकले, पैर से शूद्रास निकले, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ब्राह्मण्स जो हैं वो कोई अपर वैल्यू के हैं एंड शूद्रास लोअर वैल्यू के हैं. ये जो डिवीजन है ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन हुआ. मतलब कि जो ब्राह्मण्स थे वो ब्राह्मण्स क्यों थे, क्योंकि वो प्रेयर्स वगैरह चैंटिंग वो काम अच्छे से जानते थे.
ठीक है। एंड जो क्षेत्रियाज थे वो कौन सा काम अच्छे से जानते थे, वो वॉरियर्स थे कि जो लड़ाइयां वगैरह करते थे वॉर्स में। एंड जो वेश्याज है वो कौन सा काम अच्छे से जानते थे, आपका बिजनेस या आपकी मर्चेंट्स वगैरह हो गए, बिजनेस क्लास, ठीक है। एंड इन सारे क्लासेस को सर्व करने के लिए एक क्लास चाहिए जो इन सारों के एक सर्विंग क्लास हो, इनके काम करे, उनको हम बोलते हैं शूद्रास। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि जो शूद्रास हैं वो कोई इम्प्योर कास्ट है एंड जो ब्राह्मण्स हैं वो प्योर कास्ट हैं। ये मानना था अर्ली वैदिक ऋग्वैदिक पीरियड का। तो अगर एग्जाम में ऐसे आता है ऋग्वैदिक पीरियड में क्या कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता था, नहीं, क्योंकि कास्ट सिस्टम जो है वो डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। लेकिन जो वर्ण फ्रेमवर्क है अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद और ऋग्वैदिक सोसाइटी, दैट इज प्योरली दैट योर सोसाइटी इज डिवाइडेड इंटू फोर डिविजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोफेशन। ब्राह्मण्स आर ब्राह्मण्स नॉट बिकॉज ऑफ देयर हाई कास्ट बट बिकॉज ओनली ब्राह्मण्स कैन डू दिस प्रेयर्स एंड चैंटिंग एंड ऑल, ठीक है। एंड क्षेत्रियाज आर क्षेत्रियाज बिकॉज दे आर गुड एट फाइटिंग इन वॉर्स एंड ऑल, ठीक है, इसलिए दे आर कॉल्ड वॉरियर्स। एंड शूद्रास उन बाकियों को सर्व करने के लिए भी यू नीड ए क्लास, तो यू हैव शूद्रास एंड वेश्यास, दोस जो बिजनेस ट्रांजेक्शन वगैरह करें, फाइन। तो ये था ऋग्वेदिक का कहना। तो ऋग्वेदिक पीरियड जो है उस हिसाब से जो लेटर वैदिक पीरियड से अच्छा है, क्योंकि इसमें पोजिशन ऑफ वुमेन जो है वो भी उतनी बुरी नहीं थी जितनी आपको लेटर वैदिक पीरियड में मिलेगी। कास्ट सिस्टम जो है ये ज्यादा रिजिड और हेरिडिटरी कब हो गया, टुवर्ड्स द लेटर वैदिक पीरियड, लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में वैसा नहीं था, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब आगे हम देखते हैं पोजिशन ऑफ वुमेन। इन अर्ली वैदिक पीरियड एंड यहां से हम देखेंगे पोजिशन ऑफ वुमेन इन लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम कुछ नाम भी देखेंगे फीमेल स्कॉलर्स के, एंड आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आए भी हैं, केएस प्री में भी आए हैं एंड यूपीएससी प्री में भी आए हैं, पोजिशन ऑफ वुमेन इन लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में जो वुमेन थी, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट टू बी नोटेड, जो वुमेन थी दे एंजॉयड ऑलमोस्ट इक्वल पोजिशन विद मेन। ऑलमोस्ट इक्वल पोजिशन विद मेन, तो ये कहना कि जो फीमेल्स को फिर आगे फर्दर फॉर डिकेड्स टू कम जो उनको सब्जुगेशन फेस करनी पड़ी, वो सब्जुगेशन हिस्ट्री के पहले हिस्से में नहीं थी, ठीक है ना, वो इंडस वैली में थी ना वो अर्ली वैदिक पीरियड में थी, वो इमर्ज हुई थी टुवर्ड्स दी लेटर वैदिक एरा, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उस टाइम पे जो वुमेन थी दे पार्टिसिपेटेड इन रिलीजियस सेरेमनीज, पार्टिसिपेटेड इन रिलीजियस सेरेमनीज, एंड वैदिक असेंबलीज, ठीक है। थर्ड वन, उस टाइम पे वुमेन को थी फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ मैरिज, जो शायद आज के जमाने में भी उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जो अर्ली वैदिक है उस टाइम पे वहां पे फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ मैरिज जो थी वो वुमेन को दी जाती थी। देयर फोर देर वॉज नो चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज अर्ली वैदिक में नहीं थी, क्योंकि लव मैरिज जो थी वो एग्जिस्ट करती थी। अब कोई अगर बड़ा होगा वो छोटे बच्चे से थोड़ी प्यार करेगा, तो ये जो चाइल्ड मैरिज का किस्सा है तभी आएगा जब शादी आपके बड़े आपके लिए डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो वहां पे ऐसा नहीं था अर्ली वैदिक पीरियड में। एंड जी फोर फिफ्थ पॉइंट, मोनोगैमी प्रैक्टिस होती थी। मोनोगैमी मीन्स वन हस्बैंड वन वाइफ, ठीक है। पॉलीगैमी होता है जिसमें एक से ज्यादा पति या एक से ज्यादा पत्नियां हो, तो मोनोगैमी प्रैक्टिस होती थी। तो कोई डिवोर्स वगैरह वो सब नहीं था, जो मैरिज था वो डिवाइन कंसिडर किया जाता था। उस टाइम पे जो वुमेन थी वो एजुकेटेड थी, वुमेन वर एजुकेटेड, क्योंकि उनको एजुकेशन जो है वो इम्पार्ट करना वुमेन को भी वो सिन या कोई बुरा कोई पाप नहीं समझा जाता था, जो फिर बाद में टुवर्ड्स लेटर वैदिक हम ऑब्जर्व करते हैं। ऋग्वेदा जो है, सेवेंथ पॉइंट लिख लो यहाँ पे, ऋग्वेद मेंशंस अबाउट सम स्कॉलर्स, ठीक है, कुछ
कोई वुमेन स्कॉलर्स के बारे में, ऋग्वेद में कुछ वुमेन स्कॉलर्स का नाम मेंशन हुआ है, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये देखना है वो कौन कौन है। फर्स्ट वन इज लोपामुद्रा, ठीक। सेकेंड इज अपाला, थर्ड वन इज विश्वतारा। ये जो नाम है ये ऋग्वेद में मेंशन है कुछ फीमेल स्कॉलर्स के, और इन्होंने क्या किया था, दे कंपोज वेदिक मंत्रास, कंपोज वेदिक मंत्रास, ठीक है। ये हो गया। एंड और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देख लो, उस टाइम पे एग्जिस्ट करता था देयर एग्जिस्टेड, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, क्या एग्जिस्ट करता था, नियोगा मैरिज सिस्टम एग्जिस्टेड, ठीक है। नियोगा मैरिज सिस्टम क्या होता है, अगर कोई विडो होगी विदाउट चिल्ड्रन, ठीक है, किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई एंड उसका कोई बच्चा नहीं है, तो वो जो लेडी होगी, जो विडो होगी, शी विल एंटर इनटू सेक्सुअल रिलेशन किसके साथ, डेड हस्बैंड्स ब्रदर, डेड हस्बैंड्स ब्रदर फॉर चिल्ड्रन, फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। तो शादी नहीं होगी अगर कोई विडो है, उनका कोई बच्चा नहीं है, तो डेड हस्बैंड के ब्रदर के साथ वो रिलेशन बनाएंगे ताकि आके प्रोक्रिएशन हो एंड बच्चे वगैरह पैदा हो, फाइन। आगे देखते हैं हम, अब पोजिशन ऑफ वुमेन क्या थी लेटर वैदिक पीरियड में, अब लेटर वैदिक पीरियड में हम देखते हैं जो पोजिशन ऑफ वुमेन है, इट बिगेन टू डिक्लाइन, पोजिशन ऑफ वुमेन बिगेन टू डिक्लाइन, ठीक है। वुमेन जो थी नो लॉन्गर पार्टिसिपेटेड इन रिलीजियस सेरेमनीज एंड वैदिक असेंबलीज, ठीक है, नो लॉन्गर पार्टिसिपेटेड। तीसरा, लॉस्ट द फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ मैरिज, लॉस्ट द फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ मैरिज, ठीक है। तो लव मैरिज वगैरह किस्सा लेटर वैदिक में ही खत्म हो गया, लेकिन अभी भी नो चाइल्ड मैरिज एग्जिस्टेड, और द लव मैरिज नहीं थी, पेरेंट्स ही डिसाइड करते थे, लेकिन अभी इतना ज्यादा जो है चाइल्ड मैरिज तक, वहां तक बात नहीं पहुंची थी, चाइल्ड मैरिज अभी भी नहीं होती थी। जो वुमेन थी देवर स्टिल एजुकेटेड, उतनी ज्यादा नहीं जितनी अर्ली वैदिक में थी, लेकिन एजुकेशन एकदम से खत्म नहीं हुई थी, वुमेन वेर स्टिल एजुकेटेड, ठीक है। और ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि जो लेटर वैदिक के टेक्स्ट हैं उनमें हमें कुछ स्कॉलर्स, वुमेन स्कॉलर्स जो हैं, फीमेल स्कॉलर्स, उनके नाम देखने को मिलते हैं लेटर वैदिक टेक्स्ट में भी, और वो कौन कौन से हैं, दे आर योर गार्गी एंड मैत्री, गार्गी एंड मैत्री, ठीक है। एंड अर्ली वैदिक में कौन से थे, लोपामुद्रा, अपाला एंड विश्वतारा। अब इस वाले में पॉलीगैमी बिकेम कॉमन, उसमें क्या थी मोनोगैमी, वो मैंने बताया क्या होता है, नो प्रॉपर्टी राइट फॉर वुमेन, ये वो टाइम था, इसमें जो हिंदुइज्म जो आश्रम सिस्टम पे बिलीव करते हैं, आश्रमा सिस्टम, वो इमर्ज हुआ। अब आश्रमा सिस्टम क्या होता है वो थोड़ा देख लो, ये पोजिशन ऑफ वुमेन खत्म हो गया, उसके आगे है, ठीक है, आश्रमा सिस्टम, आश्रमा सिस्टम क्या होता है बेसिकली, ये बोलते हैं जो हिंदू लाइफ है दैट इज सर्कल्ड अराउंड फोर आश्रम्स,
फोर आश्रम प्रेजेंट है। जो इंसान का लाइफ साइकिल है वो चार आश्रम के अराउंड बिल्ट है। फर्स्ट आश्रम इज योर ब्रह्मचार्य, ये वो है जब इंसान बैचलर होता है, शादी नहीं हुई होती है, एजुकेशन वगैरह हासिल करनी होती है, तो ब्रह्मचार्य वाली स्टेज, दैट इज ऑलमोस्ट योर 0 to 25 ईयर्स ऑफ एज जब आप होते हो। सेकेंड वन इज योर गृहस्थ, गृहस्थ आश्रम है जब 25 to 50 मान लो, या 25 to 55। इसमें क्या होता है, आप शादी वगैरह करते हो एंड बच्चे वगैरह, अपनी घर गृहस्थी जो है वो देखते हो, ठीक है। थर्ड वन इज योर वनप्रस्थ, वनप्रस्थ इज योर 55 to 70 80 मान लो, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, अब आप रिटायर हो जाते हो, आपने वन मीन्स जंगल, ठीक है, घर गृहस्थी वो भी कर ली, अब जंगल जाते हो, वहां क्या करोगे, मेडिटेशन करोगे, ठीक है। फिर फोर्थ वन है सन्यास, संन्यास का मतलब क्या हुआ कि आप फाइनली वनप्रस्थ वगैरह वो भी हो गया, अब आप क्या हो जाओगे, यू विल गेट लिबरेटेड फ्रॉम दी साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। अब इस स्टेज में आपको मोक्ष मिलता है, मोक्षा, ठीक है। मोक्षा का मतलब हुआ गेटिंग लिबरेटेड फ्रॉम दी साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, बर्थ एंड डेथ। अगर आपने सिर्फ वनप्रस्थ तक अचीव किया है तो अब वापस आपकी री इंकारनेशन होगी, पुनर्जन्म होगा, फिर से आप इस दुनिया में आते रहोगे। लेकिन जैसे आप संन्यास ले लोगे, आपको मोक्ष वहां हासिल होगा, यू विल गेट लिबरेटेड फ्रॉम दी साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, अब आप वापस इस दुनिया में नहीं आओगे। तो यहाँ पे एक चीज, आप यू विल रिमेम्बर दिस थिंग, कि जो लेटर वैदिक पीरियड है उसमें सिर्फ 3 आश्रम्स मेंशन्ड है, 3 आश्रम्स, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। जो फोर्थ आश्रम था वो बाद में डेवलप हुआ था ज्यूरिंग महाजनपदा पीरियड, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन लेटर वेदिक में 3 आश्रम सिस्टम्स वर डेवलप्ड, 3 वर डेवलप्ड, ठीक है। एंड जो नियोगा, यहाँ पे मैंने चाइल्ड मैरिज का बोला था, वो नियोगा कॉन्टिन्यू, चाइल्ड मैरिज का नहीं, वो विडो का, वो सेक्सुअल रिलेशन वाला नियोगा, दैट कॉन्टिन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आगे साथ लेक्चर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, डिस्कस हमारा ऋग्वेदिक रिलीजन और फिर हमारा लेटर वैदिक रिलीजन, उसके बाद ज्योग्राफिकल नॉलेज आर्यंस की, ठीक है। फिर उसके बाद के जो टॉपिक्स हैं मैं आपको बाद में बताऊंगी कैसे क्या कवर करने हैं। तो टिल द टाइम आप लोग न्यू वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।